मरेगा मरेगा मरेगा, अकबर को बैड न्यूज सुनाने वाला मरेगा। देखो इन कुत्तों को, मार्केट में अकबर को शेर कहते हैं, शेर। और ये कुत्ते मेरे दुश्मन को शेर की तरह चीर फाड़ कराने की बजाय खुद फट फटा कर आ गए। क्या करूं मैं इनका, क्या करूं? अब तू बोल, ये खरीदार है? खंजर का खरीदार? हाँ बॉस। सलाम। सलाम बिरादर। वेलकम, खुशामदीद। शुक्रन। खंजर तुम अपने खजाने की दौलत का इजाफा करने के लिए लेना चाहते हो या अपने दुश्मन का खून बहाने के लिए? बिरादर, जब तक खंजर खजाने में रखना होगा खजाने में रखेंगे, जब किसी का खून बहाना होगा तो बाहर निकालेंगे। I like it. निवराज, ये देख, इस खंजर से अफ्रीका के एक सौदागर ने अपने गद्दार साथी का कत्ल किया था। ये देख, इस खंजर से लखनऊ के एक नवाब ने एक तवायफ का सौदा किया था। ये देख, 1857 में महाराजा रणवीर सिंह ने एक रानी का इससे खून बहाया था। ये देख, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से एक कीमती खंजर है। लेकिन बिरादर, मुझे जिस खंजर की तलाश है वो ये है। इस खंजर की तलाश में तो मैं भी हूँ। इसका मतलब बिरादर, ये खंजर इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है। ये सौदा पूरा नहीं हो सकता। सौदा पूरा नहीं हो सकता, मगर पक्का जरूर हो सकता है। ये खंजर किसके पास है और किस तरह हासिल किया जा सकता है, इस सब का मेरे पास प्लान है। तुम कीमत देने का वादा करो और मैं खंजर देने का वादा करता हूँ। सौदा पक्का, कीमत तुम्हारी, तुम जो चाहो मिलेगी। खंजर तुम्हारा, तुम्हें मिल जाएगा। एक सवाल है बिरादर, ये खंजर इस वक्त है कहां पर? ये खंजर यहां है। हे भगवान, रोज आ जाते हैं ये जंक मेल के भंगार। मांगो या ना मांगो, भेजने वाले ये जंक मेल भेजते ही रहते हैं। मुझे मालूम है इसमें एक भी चिट्ठी काम की नहीं होगी, लेकिन गार्बेज में फेंकने से पहले देखना तो पड़ेगा। हे भगवान, ये अमेरिका है अमेरिका। ये तो ठीक है, ये तो सब जंक लग रहा है। हे भगवान, जरूर ये फोन समीर की दादी का होगा। वो वहां इंडिया में बैठकर यहां अमेरिका में समीर का रिश्ता पक्का करवा रही है। हाँ माँ जी। हाँ। अरे क्या माँ जी कर रहा है? समीर को भेज फुलजीत सिंह जी के घर, इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। अरे भेज उसे। अरे भेज रहा हूँ। समीर की शादी की जितनी जल्दी आपको है, उससे ज्यादा जल्दी मुझे है। उससे जो कहे वो कर। जी जल्दी भेज उसे। हाँ हाँ। यू नो भगवान, आई डोंट नो हाउ टू, लेकिन एक बात है, यू आर ग्रेट, प्लीज हेल्प मी। नॉटी अंकल, क्या बना रहे हो? बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। कैसा लगा नाश्ता? वाह,
मजा आ गया नॉटी अंकल। अरे लाल, मेरा नाम नॉटी नहीं नथु लाल है, नथु लाल। आई नो अंकल, आपका नाम नथु लाल है, आपने नथु लाल जैसी मूछें रखी हैं। मगर अंकल, नाम बदलकर कोई निकनेम रखना भी तो एक स्टाइल है। अरे क्या खा के स्टाइल है, नाम बदलो, खाना पीना बदलो, रीति रिवाज बदलो, धोती पैजामा बदलो। ओके ओके अंकल, टेंशन मत लो, दुनिया बदले तो बदले, आप मत बदलो। हैप्पी? अरे मेरे हैप्पी होने की छोड़, अपनी दादी को हैप्पी करने की सोच। क्या सोचूं, क्या करूं? तेरी दादी ने शर्मा जी की बेटी से तेरे रिश्ते की बात की है। शर्मा जी की पूरी फैमिली तेरा इंतजार कर रही है। तू अभी इसी वक्त उनके घर जा, लड़की देख, समझा? समझ गया, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अरे मैं चलकर क्या करूंगा, शादी तुझे करनी है, तू जा, लड़की देख, पसंद आ गई तो चट मंगनी, पट शादी कर देंगे। उनका एड्रेस मैंने तेरे फोन में फीड कर दिया है। थैंक यू नॉटी अंकल। हाँ जी, मुबारक हो दाल जी, सारे ही अच्छे आ गए जी। यस, मुबारका जी मुबारका। हायो मेरे रब्बा, किस बात दी हम मुबारका? हेलो जी सुनो, ओ माय डियर, अपनी कुड़ी नु वेखण वास्ते मुंडा आ रहा, अपनी कुड़ी दा रिश्ता पक्का होण जा रहा है। इत्थे सारे आपा अपनी कुड़ी दियां खुशियां मनाण वास्ते इकट्ठे होए ने, तो ए खुशियां दा मौका होया कि नहीं? ओ पाजी की गल कीती है, बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे। तू चुप कर, बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे, अभी तो मुंडा आया नहीं, उसे वेखा नहीं, काला है कि चिट्टा है, लंबा है कि छोटा है, पतला है कि मोटा है, बस नचन लग पाए। मुबारका जी मुबारका। ओ पापा जी की गल कीती है, बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे। भाई साहब इंडिया च साडे पड़ोस विच रहंदे सी सुरिंदर सोडी, उन्हां दा इकलौता बेटा है समीर। सुरिंदर सोडी? हाँ हाँ याद आया, ओ सुरिंदर सोडी जेड़ा बड़े साल पहला अमेरिका च आए सी, ते उना दी कार एक्सीडेंट दे विच दोना हस्बैंड वाइफ दी डेथ हो गई सी। घराना तो अच्छा है। अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। और पता है हमारी बेटी सुमन नू समीर दी दादी तब से पसंद कर दी है जब हम इंडिया में थे, और वो चांदी है कि सुमन दा रिश्ता समीर दे नाल पक्का हो। हाँ हाँ वो तो सब ठीक है, आप माँ बाप हो, क्या आप भी चाहते हो बच्चों का रिश्ता पक्का हो जाए? असी भी यही चाहते हाँ, इसलिए तो ये पार्टी शार्टी रखी है। लड़का लड़की ने एक दूजे नू पसंद कर लेता है तो फिर अब दारू शारू पीते हैं और खुशियां मनांदे हैं। ओ जी बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे। अगर लड़का लड़की ने एक दूजे नू पसंद नहीं किता तो उदासियां उदासियां, ते फिर दारू शारू पीते हैं और उदासियां मिटांदे हैं। बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे। ओए तैनू और कोई गल नहीं आंदी? ओए लगदा है जी लड़के वाले आ गए। सत श्री अकाल। आओ जी। हेलो जी, ये मेरे दोस्त हसमुख लाल। आओ जी आओ। हेलो जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ए मेरे डैडी ने, और मैं सुमन दा डैडी हूं, और वो सुमन दी मम्मी है, ए सुमन दी चाचा जी हैं, ओ सुमन दी चाची है उधर। हां जी। ए सुमन दी पैन है। नमस्ते। ओ सुमन दी चाची, और ओ सुमन दे चाचा जी हैं, और ए सुमन दे प्रा। हाय। बड़ा परिवार, बहुत वड्डा परिवार। अगर मैं सब दा इंट्रोडक्शन कराण लगूं तो सुबह तो शाम हो जाएगी। मतलब ब्रेकफास्ट पर आएंगे और डिनर करके जाएंगे। बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे। मैं हसमुख लाल, आपके होने वाले दामाद का दूर का दोस्त। दूर का दोस्त? हाँ, वो इस तरह कि इनका घर मेरे घर से बहुत दूर है। मैं अपनी लड़की दी की तारीफ करा, अगर चिराग लेकर भी फिरोगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। वाह जी वाह, और मैं अपने दोस्त की क्या तारीफ करूँ, अगर आप सर्च लाइट लेकर भी फिरोगे तो ऐसा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ समीर, तुम्हारी दादी के साथ इस रिश्ते की बात डिटेल में हो चुकी है। जी,
इधर आपने शादी की हाँ की और उधर हमने शादी की तैयारियाँ शुरू की। आप तो शादी की तैयारियाँ करेंगे, समीर ने तो शादी की तैयारियाँ सारी कर ली हैं। मिठाई का ऑर्डर दे दिया, बैंड बाजे वालों को बुक कर लिया, होटल बुक कर ली, और तो और हनीमून का पैकेज ले लिया है स्विट्जरलैंड का। अच्छा जी, सेहरा तैयार है, दूल्हा तैयार है, बस दुल्हन का इंतजार है। ओ इंतजार दी घड़ियां खत्म हुई, ओ दुल्हन आ गई। समीर, ये है मेरी बेटी सुमन। सुमन, ये है समीर। बेटी समीर को अपना रीडिंग रूम दिखाओ। ओह माय गॉड, ये भी कोई कपड़े है, ना स्टाइल है, ना कंफर्ट है। मेरे पेरेंट्स भी कमाल है। इट्स बीन सो लॉन्ग इन अमेरिका, मगर अपनी मेंटालिटी नहीं छोड़ते। दिल यहाँ है मगर दिमाग वहाँ है। Am I right? Dude, oh come on, say something. दादी माँ को प्लीज करना है ना? Don't worry, मैं समझती हूँ। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा नाटक कर लेते हैं। एक बार शादी हो जाए, then we are free. जैसा चाहो तुसे जियो, मैं चाहूँ मैं जियो, right? Oh yeah, you're right. लेकिन एक बात है। Excuse me. Hello. Hi. Hi यार, fashion show हो गया। Oh yeah? He's hot. I'll talk to you later. All right. Bye. तुमने कुछ कहा नहीं, मैं कैसे लग रही हूँ? सुंदर, beautiful. Thanks. See you soon. ए भगवान, ये फोन की बेल बजती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पागल होने का अलार्म बज रहा है। हाँ माँ जी, हाँ। अरे क्या हाँ माँ जी कर रहा है? लड़की मोटी हुई तो क्या हुआ, समीर को खूब खिला पिला के मोटा कर दे, जोड़ी जम जाएगी, समझा कि नहीं? माँ जी सब ठीक हो जाएगा, अगर समीर मोटा नहीं होगा तो हम लड़की को डाइटिंग करा करा के पतला बना देंगे, जोड़ी जम जाएगी। ए, ए, समीर, नहीं, नहीं, नहीं। समीर दादी का फोन है। ओ, नॉटी अंकल, कैसा लग रहा हूं? अरे बड़े हैंडसम लग रहे हो। दादी होती तो तुम्हारी नजर अभी उतार देती, लेकिन ये बताओ जा कहां रहे हो? क्या नॉटी अंकल, आप ही तो पीछे पड़े रहते ना, शादी कर ले शादी कर ले, तो मैं अपने लिए एक लड़की देखने जा रहा हूँ। लेकिन जा कहां रहा है? मैच मेकिंग इवेंट में जा रहा हूँ, वहां पर लड़के लड़कियां आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं क्या मुझसे शादी करोगे? हे भगवान, दूल्हा दुल्हन के बाजार लगते हैं, क्या जमाना आ गया है। यार नॉटी अंकल, आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, आप एक काम करो मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है जा भाई। थैंक यू। Excuse me. Yes. ये इवेंट कहाँ चल रहा है? You go straight and then right. Okay, thank you. Welcome. May I help you? Welcome, Mr. Samir. हमें पूरी उम्मीद है यहाँ इस ब्यूटीफुल इवेंट में आपको आपका जीवन साथी जरूर मिलेगा। Best of luck. Thank you. Hey.
इट्स अ चॉपस्टिक यार। हाय हाय, मेरा नाम पांडु है। पांडु? पांडु, अच्छा नाम है। होल्ड, सिर्फ नाम ही नहीं, काम भी अच्छा है यार, और सूरत भी अच्छी खासी है। अरे आपकी तो हर चीज अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ अपने लिए एक लड़की देखने आया हूँ। हेलो। हाय। मैं समीर। और मैं संजना। बड़ी सुंदर हैं आप, देखते ही लगा फौरन आपसे मिल लूं और कह दूं आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। सच, एक बार में आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। प्यार मोहब्बत के फैसले तो दिल से होते हैं, दिल ने कहा और हमने मान लिया। हेलो। हाँ माँ जी, आपने उसे फीड किया, कुछ खिलाया, फिर रो क्यों रही है वो? फोन दीजिए उसे। ओ माय बेबी, रोना नहीं रोना नहीं, स्वीट हार्ट, माय बेबी गर्ल, मम्मी जल्दी आ जाएगी। ओके हाँ माँ जी, जल्दी आ जाऊंगी, जल्दी। सॉरी, माय डॉटर 2 साल की है, सिंगल मॉम हूं ना मैं। सॉरी, मुझे रेडीमेड मॉम नहीं, मुझे वो चाहिए जिसे मैं मॉम बना सकूं। बेस्ट ऑफ लक। दिल ने कहा और हमने मान लिया। मुझे पता था वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की नहीं है। तो मैं भी आपके टाइप का नहीं हूँ मेरे भाई। तो तुम क्या मुझे उस टाइप का समझ रहे हो? ये तो मेरा स्टाइल है। स्टाइल है? हाँ। बाकी सब तो वर्किंग कंडीशन में है ना? बिल्कुल है, 100% गारंटी, टेस्ट ड्राइव का ओपन ऑफर है। पावरफुल इंजन के साथ मॉडल और शेप भी सही होना चाहिए। समझे मेरे यार? लेट मी गो। बहुत प्रीटी है आप। और भी बहुत कुछ हूँ, डिटेल के लिए डेटिंग करना जरूरी है। डेटिंग? हाँ डेटिंग, क्यों कभी डेटिंग नहीं की? तो बताओ हम हमारी फर्स्ट डेट कब और कहाँ प्लान करें? माय डियर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, मुझे लाइफ के लंबे सफर में लाइफ लॉन्ग साथ निभाने वाला लाइफ पार्टनर चाहिए, डेटिंग पार्टनर नहीं। हाय। हाय। जीवन साथी ढूंढने आए हो ना? अगर सुंदर होने के साथ साथ धन भी मिल जाए तो क्या बात है? आपका मतलब समझा नहीं। मैं सुनीता हूँ, इस शहर के माने हुए बिजनेसमैन की एक्स वाइफ। अगर तुम मुझे अपनी बीवी बना लो तो मेरे एक्स हस्बैंड की सारी दौलत तुम्हें मिल जाएगी। मैं यहाँ अपने आप को बेचने के लिए नहीं आया हूँ। क्या हुआ अंशु? लगता है यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। सुनो ना, जाने से पहले मुझसे दोस्ती तो कर लो। दोस्ती? और तुमसे? नो वे। देखो मुझसे दोस्ती कर लो, ऐसे स्टाइलिश दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यार। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? वन लार्ज बैग ऑफ बिस्किट। ओह श्योर। हेलो हैंडसम। तुम यहाँ भी पहुँच गए? पहुँच गया, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं यहाँ के डांसर्स को डांस सिखाता हूँ। ओके। Hey Pandu, boss is waiting for you. I know. Hey, so क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ यार, अच्छा बार है। I know, और यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत अच्छी हैं। You know what I mean? तो चलो, follow me, अंदर चलते हैं। Okay. आओ समीर, यहाँ बैठते हैं। Yeah, sure. यार एक बात बताओ। क्या? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, आई मीन कोई लव अफेयर या प्यार का कोई चक्कर वक्कर? क्यों, तुम्हें इससे क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर बना लेते, वहां मैच मेकिंग में ढूंढने नहीं आते। सही है दोस्त, न जाने क्यों न किसी ने हमसे प्यार किया और न हमारा दिल किसी पर आया,
और प्यार के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ तक पहुँच के इस शराब को अपना दोस्त बना लिया। क्या करता है ये? गलत, रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, नशा किसी हार को जीत में नहीं बदल सकता। नशा करो मजे के लिए, नशा करो ऐश के लिए। यार तू है इतना सा और बातें बड़ी बड़ी करता है। हेलो, मेरे साइज पर मत जाओ, मेरी एबिलिटी देखो। ये देख रहे हो, ये है इतना सा, लेकिन इसमें सारी दुनिया बंद है। Hey Pandu, boss would like to see you. Sure, I will write there. देखा, इस बार का बॉस भी जानता है कि मेरी एबिलिटी क्या है। हाँ, और मैं भी थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ। तो तुमसे मिलना हो तो मुझे इस बार में आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, पीने वालों को तो बस पीने का बहाना चाहिए। How is everything for you guys? Yeah, it was great. Good. We'll be seeing you soon. Yeah. Thank you. Have a nice night. Take care. Bye. Nice meeting you. Okay. Yeah. See you. Take care. Take care. Bye. हाँ माँ जी। हाँ समीर। मैं नथुलाल हूँ, नथुलाल। तुझे कैसे पता चला कि मैं? अरे इस घर में सिर्फ आपका फोन आता है और मैं उठा लेता हूँ, और कोई नहीं। क्या बात है समीर, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या समीर बाबा आपका फोन नहीं उठा रहा है? हाँ। अरे कैसे उठाएगा, आपका फोन आपके हाथ में है, नीचे गिरा होता तो उठा लेता। अरे माँ जी एक मिनट। हाँ। रुको, लगता है आपकी बहू आ गई है। मैं आपको वापस फोन करता हूँ। बाय। हेलो, बोलो। समीर है घर पर? क्यों, क्या काम है? वो मेरे दोस्त है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। हे भगवान, समीर ने तुमसे दोस्ती कर ली? क्या मतलब, मैं दोस्ती के काबिल नहीं हूँ? अरे तुमसे दोस्ती करेगा तो किसी लड़की से शादी के काबिल नहीं रहेगा। हेलो, आप गलत समझ रहे हैं, मैं वैसा दोस्त नहीं हूँ। तुम जैसे भी दोस्त हो तुम चले जाओ, जाओ जाओ। मेरा समीर से मिलना जरूरी है। नहीं, वो नहीं है। अरे कोई लड़की जैसा लड़का है। चला। कौन है नाटी अंकल? मैं हूँ पांजू। तुम? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वॉलेट देने आया हूँ, कल रात बार में भूल गए थे। अच्छा हुआ मेरे हाथ लग गया, ये लो। ओह थैंक यू यार, आओ अंदर आओ। अच्छा सुनो, ये पीछे मुच्छड़ कौन है? ओह ये मेरे अंकल हैं, नॉटी अंकल, मेरे केयर टेकर, मेरे दोस्त, मेरे गाइड, मेरे सब कुछ है। ओह यू मीन ऑल इन वन? हाँ। अरे यार नॉटी अंकल खाना अच्छा बनाते हैं, कुछ खाकर जाओ। जरूर, जब नॉटी अंकल की डांट खा ली है तो इनके हाथ का खाना भी खा लेते हैं। चलो चलो। बड़ा शानदार बड़ा सुंदर घर है तुम्हारा, लगता है राजा महाराजाओं के खानदान से हो। छोड़ो यार, राजा और महाराजा तो कब के चले गए। वो तो चले गए लेकिन अपनी दौलत तो छोड़ गए। यार समीर एक बात बताओ, तुम सीरियसली शादी करना चाहते हो? क्या मतलब, शादी भी कोई मजाक में करता है क्या? सीरियस होते तो अब तक कर लेते। कर लेता, कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे भी पसंद आए और मेरी दादी को भी। दादी को भी? शादी तुम्हें करनी है या दादी माँ को? उनकी पसंद की लड़की इस घर में नहीं आएगी तो सारी दौलत अनाथ आश्रम चली जाएगी। ओ समझा। एक आइडिया दूं? क्या? तुम किसी ड्रामे वाली को ले आओ, वो दादी माँ की पसंद की अच्छी एक्टिंग भी कर लेगी, इससे दादी माँ भी खुश हो जाएगी और तुम्हारा भी काम निकल जाएगा। बस बस बस, अपना आइडिया अपने पास रख। समीर बाबा तू कहाँ ये आधे अधूरे के चक्कर में फंस गया है? इसने तुम्हारा वॉलेट लाकर दिया है, इसे $5-10 टिप दो और इसको चलता करो। नॉटी अंकल मैं आधा अधूरा नहीं हूँ, पूरा हूँ पूरा। तुम पूरा हो या पूरी, तुमसे अच्छी दूरी। नॉटी अंकल बड़े ही नॉटी हैं। वैसे समीर तुम मानो या ना मानो अब मैं तुम्हारा दोस्त बन चुका हूँ, तो ये जिम्मेदारी तो मुझ पे छोड़ दो। ओके। अच्छा अब मैं चलता हूँ। श्योर, टेक केयर और मुझसे आकर बार में मिलना। आओ समीर आओ, वेलकम। बड़ा अच्छा लगा कि तुम मेरे बोलने पर यहाँ पर आए। वैसे यहाँ पर शराब भी है और शबाब भी, कहो क्या पेश करूँ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, शराब और शबाब के लिए नहीं। ओ कम ऑन यार,
तुम कोई बिजनेस मीटिंग पर नहीं, एक दोस्त से मिलने आए हो। और वैसे भी बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग भी चैंपियन के ग्लास टकराने से ही शुरू होती हैं। तो बताओ क्या लोगे, वोडका, विस्की या रम? ठीक है यार, एक विस्की ले लेते हैं। हे रॉबर्ट, कैन यू गेट 2 glasses ऑफ विस्की प्लीज? थैंक यू। यस अमित, तुम्हारे लिए एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या है? तुम अपने लिए लड़की इंटरनेट पर क्यों नहीं ढूंढते? इंटरनेट पर? हाँ, इंटरनेट पर। इंटरनेट हमारी जिंदगियों में एक जादू की छड़ी की तरह आ चुका है, जो भी चाहिए इंटरनेट पर मिल जाता है। इंटरनेट क्या, इसे तुम अलादीन का चरागी समझो। इंटरनेट खोलो, क्लिक करो और सिस्टम का जिन तुम्हारे सामने हाजिर। बोलो मेरे आका, क्या चाहिए, हुकुम करो। अरे कंप्यूटर का जमाना है यार, कंप्यूटर का सहारा लो। वैसे फेसबुक अकाउंट है तुम्हारे पास? है ना। बस फिर क्या है यार, अपना लाइफ पार्टनर फेसबुक पर तलाश करो। फेसबुक पर एक इवेंट पेज बनाओ, लिखो मैं अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। फिर देखो एक से एक सुंदर फेसेस तुम्हारे फेसबुक में चमकने लगेंगे। अरे वाह, तूने क्या आइडिया दिया है यार। अरे पांडु, तू बॉडी से हिला हुआ है पर माइंड का सॉलिड है यार। यू नो व्हाट, एक काम करो, मुझे अपना दोस्त बना लो। बना तो लिया यार, और कितना बनाओ? फेसबुक पर मुझे अपना दोस्त बनाओ। फिर देखो इतने दोस्त सजेस्ट करूंगा कि मेरे सारे फ्रेंड तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। वैसे लिस्ट काफी लंबी है। ये कौन है? क्यों, अच्छी लगी? ये अरुणा है। बड़ी सुंदर है, बिल्कुल देसी टाइप। यू नो व्हाट, ये तुम्हारी दादी माँ को बहुत पसंद आएगी। इस पे ट्राई करो, इसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो। कैसे करूं? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, क्या करोगे तुम? मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा, तुम्हारा ऐसा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये फौरन तुम्हें पोक करने लगेगी, लेकिन उसके बाद उसे पटाने का काम तुम्हारा है। ठीक है? ओके, डन। हे समीर, क्या कर रहे हो यार? आओ ना यार, कैसे हो? यार मैं तुमसे मिलने आया था, क्या जॉगिंग पर जा रहे हो? कोई नहीं, आ जाओ। अच्छा सुन, अरुणा बता रही थी तूने उसे मैसेज किया? या माय फ्रेंड, जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे एनकरेजमेंट पे और तुम्हारे गाइडलाइन पे कर रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। डोंट वरी यार, जो भी होगा अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा और बेस्ट से बेस्ट होगा। हाँ, फिर भी वो मेरे लिए एक अजनबी है और मैं उसके लिए अजनबी हूँ। हमने अभी तक एक दूसरे को फेसबुक से हटके फेस टू फेस कहाँ देखा है। तो समीर, तो इसमें कौन सी टेंशन की बात है, उसे यहाँ पर बुला लो। क्या वो आएगी? क्यों नहीं आएगी यार, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पसंद दोस्ती में बदल रही है, और अगर वो यहाँ पर आ जाए तो दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। ये कुछ जल्दी नहीं है? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तुम अगर चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। ये क्या हो रहा है चुपके चुपके? कौन है वो जिसकी फोटो से तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान आ रही है? नॉटी अंकल, किसी की प्राइवेसी में ताकझांक करना अच्छी बात नहीं है। अरे मेरे बेटे, मुझसे क्या छुपाना, इतने से इतना बड़ा हुआ है मेरे सामने, मुझसे क्या चोरी। जो भी है आपके सामने आ जाएगा। अरे आ जाएगा, आ जाएगी, बोल आ जाएगी। हे भगवान, इसे सही ट्रैक पर डालो, पता नहीं इसका क्या होगा। क्या नॉटी अंकल, आप भी ना। समा
क्या हुआ सनम कहो तो जरा, देखो तो जरा कहती क्या घटा, समीर। तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। वैसा ही मतलब? मेरा मतलब है फेसबुक पर जो तुमने अपनी पिक्चर लगाई है बिल्कुल हाँ। वैसे तुम भी बिल्कुल वैसी हो, लेकिन नेचर साथ रहोगे तो पता चल जाएगा। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुमने बुलाया और हम चले आए। सुस्वागतम सुस्वागतम अरुणा बेटी। धन्यवाद नॉटी अंकल। अंकल बुरा मत मानिए नॉटी अंकल, यहाँ आते हुए रास्ते में समीर ने आपका भरपूर परिचय दे दिया था। अरे इसे तो हर बात में जल्दी रहती है। यहाँ आकर सामने परिचय देना था ना। एयरपोर्ट से यहाँ तक कितना लंबा रास्ता है, रास्ते भर क्या बातें करता, इसलिए डिटेल में आपका इंट्रोडक्शन दे दिया। कुछ भी हो तो बड़ी सुंदर बहू लाया है। दादी माँ को मैं अभी फोन करके बता देता हूँ कि जल्दी से शादी की तैयारियाँ कर लें। इतनी जल्दी क्या है, जरूर बताएंगे। ये कौन सा भागे जा रही है और दादी माँ कौन सा यहाँ आ रही है। ठीक है ठीक है, तू अरुणा बेटी को जाके घर दिखा दे, मैं अभी जाके तुम लोगों के लिए बढ़िया खाना बना देता हूँ। ठीक है, ये है मेरा घर। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। जिसे इस घर की रानी बनाने लाया हूँ वो भी तो सुंदर है ना। आओ चलो। ये है तुम्हारा बेडरूम और वो है मेरा बेडरूम।
अलग अलग बेडरूम क्यों? साथ रहूंगी तो प्यार ही दूंगी, काटूंगी नहीं। काटोगे भी तो चलेगा, मगर शादी के बाद। मैं तुम्हारा लगेज उठा लाता हूँ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम डिनर पर चलते हैं। वाओ, बस इससे भी अच्छे अच्छे जोक है मेरे पास, आओ। तुम कुछ नहीं बोलोगी? समीर, मौसम कितना सुहाना है ना? हाँ, तुम साथ हो ना तो ये मौसम और भी सुहाना हो गया है। ये मौसम तो बदलते रहते हैं, कहीं तुम भी तो नहीं बदल जाओगे? स्वीटहार्ट, तुम अगर साथ देने का वादा करो ना तो हर बदलते मौसम को सुहाना बना दूंगा। बहुत सारे सपने और आशाएं लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ समीर। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे सपने साकार करूंगा। ये मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा होता जा रहा है ना, घर चले। तुम्हारे प्यार की गर्मी में मौसम की ठंड महसूस ही नहीं हो रही है, फिर भी चलो। Thank you. It was a lovely evening. I'll see you in the morning. मुझे कुछ काम है, तुम जाके आराम करो। Are you sure? Yeah, sure. तुम्हारे दुश्मन अकबर ने खंजर का खेल शुरू कर दिया है और उसके एक खिलाड़ी ने अपना पहला दाव जीत भी लिया है। खेल की हर चाल पर मेरी नजर रहेगी। जैसे जैसे खेल बढ़ेगा मैं तुम्हें बताती रहूंगी। खिलाड़ी अकबर के और खेल हमारा। निशाना लगाना खूब जानती हो। तुम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हो। तो क्या कहती हो, जीत जाओगे? हारने के लिए कोई खेलता है क्या? लेकिन तुम्हारे साथ तो हारने में भी मजा आएगा। बड़ी दिल को छू लेने वाली बातें करती हो। मगर तुम मुझे छूने कहां देते हो? होल्ड मी, नहीं अरुणा, ग्रैब मी, आई एम ऑल योर्स। नहीं, डरते क्यों हो? डरता नहीं हूं, संभल रहा हूं, चल। यार में लोग भागते हैं और तुम संभल रहे हो। मेरे ख्याल में अब तुम्हें सो जाना चाहिए, नींद तो आएगी ही नहीं। चलो अरुणा, रेस्ट को, कम ऑन। समीर,
What happened? ऐसे अपसेट क्यों हो? You know why I'm upset. तुमने बॉस के माइंड को सेट किया ताकि वो खंजर की तलाश में अरुणा को समीर के घर भेजे. क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? Why? Why? Because I love you. वो दूर रहेगी तो मैं पास आ सकूंगी. I love you. I want you. Come on. हेलो, मैं अरुणा. सुनो, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो आइटम इस घर में एंटीक आइटम में छुपाया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन शायद गलत है. हाँ हाँ,
मैंने हर एंटीक आइटम और एंटीक डिजाइन फर्नीचर में ढूंढ लिया, पर वो आइटम नहीं मिला। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? हाँ, ढूंढ लूंगी, मगर इतना आसान नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके ओके बाय। कभी चांस मिले तो भगवान से पूछूंगा, हे भगवान, तूने इंसान को सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन ये पेट क्यों दिया? दिन में 3 बार इसको भरो और फिर खाली हो जाता है। सुबह उठो, बनाओ खाओ, बनाओ खाओ। गुड मॉर्निंग नॉटी अंकल। अरे बेटी, सुखी रह, सुखी रह। ये अकेले किससे बातें कर रहे हैं? अरे किससे बात करूंगा बेटी, अपने आप से और अपने भगवान से। ये ले कॉफी, ले कॉफी। थैंक यू। चलिए बताइए क्या बना रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अरे बेटी, रहने दे, अभी तो तू मेहमान है। जब इस घर की बहू बन जाएगी तो पूरा किचन तेरे हवाले कर दूंगा। अरे अंकल, मुझे मेहमान बनाकर अपने से दूर रखेंगे तो आप लोगों से मिल कैसे पाऊंगी? ठीक है बेटी, ठीक है। चल बेटी चल, नाश्ता कर लेते हैं। एक बात बताओ बेटा, ये अपना समीर जो है ना, बड़ी जल्दी घुल मिल गया अरुणा के साथ। अरे बेटा, इसका स्वभाव और इसकी बातें इतनी अच्छी है ना कि कोई भी आसानी से घुल मिल जाता है। सुन तू बैठ, इसके साथ नाश्ता कर, मैं जाता हूँ। राइट, यह बात तो मैं मानता हूँ। फेसबुक की 2-4 मुलाकातों में पता नहीं तुमने क्या जादू कर डाला कि मैं तुम्हें अपने घर ले आया। बात तो तब बनेगी जब तुम मुझे अपने बेडरूम में ले जाओगे। देखते हैं, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं। ओके। मूड हो तो एक एक हो जाए। डेजर्ट प्लीज अरुणा, प्लीज। समीर क्यों? तुमने मुझे पसंद किया और अपने पास बुलाया, फिर मुझसे ये दूरी क्यों? अरुणा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं जानता, जैसे कि अरुणा है मेरा नाम, हर कोई मुझे इसी नाम से जानता है और इसी नाम से बुलाता है। तुम चाहो तो कोई और नाम दे दो, अपना लूंगी। अरुणा, तुमने कभी किसी से प्यार? समीर, हमने प्रॉमिस किया था कि पिछली लाइफ के बारे में नहीं पूछेंगे। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको प्यार देना चाहती हूँ और तुमसे प्यार पाना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए कि ये दिल मानता नहीं। ओके डार्लिंग, गुड नाइट। Thank you.
हेलो हेलो अरुणा, मैं पांडू बोल रहा हूँ। पता लगा वो आइटम कहाँ है? हेलो, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा। ओके बाय बाय। आज क्या ग्रोसरी लेकर आऊं? ठीक है कुछ भी ले आऊंगा। अरे अरुणा बेटी, मैं ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ, कुछ चाहिए क्या? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। एक मिनट अंकल, पूजा की थाली के लिए थोड़ा सिंदूर मिले तो ले आइएगा। ठीक है मैं ले आऊंगा। बड़ा किस्मत वाला है समीर कि तुझ जैसी पूजा पाठ करने वाली बहू उसकी जिंदगी में आई है। हाय अरुणा, क्या कर रही हो? ओ समीर, कहाँ थे तुम? कुछ बताए बिना ही चले गए। तुम तो जानती हो मेरा एंटिक का बिजनेस है। मिडिल ईस्ट से एक पार्टी आ गई थी तो उन्हें एक खास चीज दिखाने चला गया था, और ये तुम्हारे लिए। ओ इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। जॉनी, अब हमें ही कोई नई चाल चलनी पड़ेगी। इसे क्या हुआ, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है यार? प्यार से फिक्स करो उस बेचारी को। प्यार से ही कर रहा हूँ यार। ये लो पियो, थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी और गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। थैंक्स। ओह माय गॉड, मैं भी बैंडेज लेकर आती हूँ। इट्स ओके यार। नॉटी अंकल। माय गॉड, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? एक छोटा सा कट है, कोई खंजर का जख्म तो नहीं? तुम्हारे जिस्म पर लगी हल्की सी खराश भी मेरे लिए खंजर के जख्म के बराबर है। बैड न्यूज। अकबर को बैड न्यूज सुनने की आदत आई। हाउ डेयर यू ब्रिंग दिस बैड न्यूज टू मी? अगर कल तक तूने इस बैड न्यूज को गुड न्यूज में नहीं बदला तो ये तेरा आखिरी दिन होगा, समझा? और क्या किया तूने? क्या किया? किधर है खंजर? भाई मेरा काम था अरुणा को समीर के घर तक पहुँचाना। वो वहाँ पहुँच के क्या कर रही है? प्लान के हिसाब से अरुणा समीर को अपने प्यार के जाल में फंसा कर खंजर का पता लगा रही है। कितना टाइम लगाएगी वो?
पता नहीं भाई। क्या मतलब? काम टाइम पर होना चाहिए। भाई मुझे डाउट है वो समीर से नौटंकी नहीं बल्कि सच में प्यार करने लगी है। व्हाट? हाँ भाई। तूने कहा डाउट है और डाउट गलत भी हो सकता है। अगर वो सच्चा प्यार करेगी तो मरेगी। नजर रख उस पर, नजर रख। आई एम सॉरी, मैं आपका जख्म देखने आई थी। तो जा क्यों रही हो? बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? आओ अरुणा, बैठो। क्या कर रहे हो? बस यूं ही टाइम पास कर रहा था। मुझे बुला लेते टाइम पास करने के लिए। तुम्हें बुलाकर क्या करता? मुझे देखते, मेरी आंखों को पढ़ते, मेरी बातें सुनते और मेरे होठों को चूमते। हे भगवान, क्या होगा तेरी इस दुनिया का? बदलते बदलते आदमी कितना बदल गया है। पहले जमाने में माता पिता अपने बच्चों का रिश्ता पक्का करते थे, अब ये खुद अपना जीवन साथी ढूंढ लेते हैं। वो क्या कहते हैं, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। चलो ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। हे भगवान, समीर और अरुणा अपनी सगाई करने जा रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दो। मेरी जिंदगी में आने वाली इस घड़ी का मैं कब से इंतजार कर रहा था। आज मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ गई है। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई हो। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यस, यस।
एक मिनट, ये हो क्या रहा है? कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का ये हसीन जीवन साथी मुबारक हो। लकी गाय, बड़ी सुंदर लाइफ पार्टनर मिली है तुम्हें, कांग्रेचुलेशन यार। बधाई हो बधाई, राम जी ने क्या जोड़ी बनाई। सेलिब्रेटिंग ड्यूड, सेलिब्रेटिंग, हमारे दोस्त की सगाई और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। Yes, it's a lovely moment, guys. और हम इस मोमेंट को एक यादगार इवनिंग बनाना चाहते हैं। So, let's enjoy music. One minute. कौन हो तुम लोग? अरे, अरुणा ने तुम्हें बताया नहीं, आई एम रॉकी। अरुणा? भूल गई होगी बेचारी, हमारी दोस्ती समीर के प्यार में, मैं नीलू। बिन बुलाए मेहमान जरूर है, पर शैतान नहीं। आई एम एंडी। इसे हमारी दोस्ती याद दिलाने और सगाई की बधाई देने चले आए। अगर तुम्हें बुरा लगता हो तो चले जाते हैं, क्यों अरुणा? नहीं नहीं, अच्छा लगा, पर तुम लोग यूं अचानक चले आए इसीलिए। इट्स अ सरप्राइज बेबी, सरप्राइज, हैप्पी सरप्राइज। सरप्राइज का शुक्रिया मेरे दोस्त, पर तुम लोगों को ये बात कैसे पता चली? मैंने बताया था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग इधर आ जाएंगे। वीकेंड था, सोचा हम तुम्हें मुबारकबाद भी दे दें और एंजॉयमेंट भी कर लें। हमने तो सोचा था तुम लोग खुश हो जाओगे और वीकेंड तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में गुजारेंगे, लेकिन तुम्हें बुरा लगा हो तो हम लोग चले जाते हैं। अरे जाने की जरूरत नहीं है, अरुणा की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम लोग यहाँ हमारे साथ हमारे घर पर वीकेंड मना सकते हो। ये बढ़िया बात। कम ऑन। I'm Rocky. मैं नीलू। I'm Andy. वो काम करने जिसका बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है। वो काम मैं कर रही हूँ। मगर किया नहीं। और क्या किया तूने? सगाई? नाटक कर रही हूँ, प्लान के हिसाब से, समझे? इसका मतलब है तू समीर से सच में प्यार करने लगी है। मैंने कहा ना, ये सब नाटक है। नाटक? ये नाटक तू मेरे साथ भी करना? तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं संभाल लूंगी। संभाल लूंगी? क्या संभाला तूने? जिस काम के लिए आई है वो काम संभाल। इसकी जगह नीलू होती ना तो कब का खंजर निकाल लेती। इसकी तो मैं। अरुणा, क्या बात है अरुणा? तुम लोग इस वक्त क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी, मैं नीचे आई तो देखा ये लोग जाग रहे थे। कुछ नहीं यार, नींद नहीं आ रही थी, वो नया घर है ना इसलिए। कोई बात नहीं, तुम लोग सो जाओ, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। किसी को पराठा चाहिए और किसी को पूरी, वो बोलती है कि बन मक्खन चाहिए, वो बोलता है ब्रेड मक्खन। यहां मेहमान बनकर आए हैं या ससुराल में आए हैं? कल ही मैं 2 हफ्ते की सब्जी भाजी माल मसाला लेकर आया हूं, लगता है ये 2 ही दिन में खा जाएंगे। क्या तरीका है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। हाँ, मैंने कहा ना भाई साहब, अगर आपको किसी खास एंटिक आइटम की तलाश है तो आप मेरे ऑफिस में आइए, मेरे स्टोर पर विजिट कीजिए। इस तरह फोन पर ये बातें नहीं कर सकता, प्लीज आप आइए हमारे ऑफिस में जी। अरे भाई साहब, आप कोई भी हो, इंडियन हो, फॉरेनर हो, मुझे इससे क्या मतलब। मैंने कहा ना भाई, मेरे पास किसी जमाने का कोई हथियार वत्यार नहीं है। ओके बाय।
हे रॉकी, कुछ सोच यार, कुछ सोच, कुछ ऐसा जुगाड़ कर कि खंजर जल्द से जल्द हमारे हाथ लग जाए। बॉस ने 2 दिन का टाइम दिया है और एक रात ऐसे ही गुजर गई, और जो टाइम है रेस के घोड़े के माफिक भाग रहा है। कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर। अबे क्या करूं, बॉस ने कुछ ऐसा ही काम दिया है चोरी छुपे का। अगर किसी को उठाना या उड़ाना होता तो मैं यूं कर डालता। हे, टेंशन लेके अपना भेजा खराब मत कर। ऐसा कुछ कर कि समीर खंजर के बारे में खुद बता दे। वहां बैठे हैं वो लोग। हे, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, हम लोग तुम्हारे घर यूं ही आदम के। ओ, इट्स ऑल राइट यार, कभी कभार ऐसे सरप्राइज अच्छे लगते हैं। अरुणा, इनका ब्रेकफास्ट? ओ मैन, नो वरी, नत्थू अंकल ने जबरदस्त नाश्ता करवा दिया है। ओके। यार समीर, तूने अपने घर को तो बड़े आर्टिस्टिक स्टाइल से सजाया है, बल्कि यूं कहूंगा कि एंटीक स्टाइल से सजाया है। थैंक्स यार। ओ यस, इट्स अ परफेक्ट मैच यार। एंटीक का बिजनेस है और एंटीक स्टाइल डेकोरेशन है। नाइस। थैंक्स। यू आर राइट, ये एंटीक का बिजनेस बड़ा एडवेंचरस होता है। इसमें पुरानी पुरानी वैल्यूएबल चीजों के लिए कंट्री कंट्री जाना पड़ता है। और गुजरे जमाने के राजा महाराजाओं के बचे कुचे खानदान से मुलाकात हो जाती है और एक से एक कीमती आइटम्स हाथ लग जाते हैं। तुम्हारे हाथ कोई ऐसी आइटम लगी है क्या? यू नो, कोई महाराजा का ताज, कोई महारानी की बिंदिया, किसी राजा की टूटी हुई तलवार, या कोई खंजर? नहीं भाई, मैं ऐसा क्रेजी डीलर नहीं हूँ। एक बात बताऊं समीर, अक्सर ऐसा होता है, एंटीक डीलर के पास लाखों करोड़ों के एंटीक पीसेस होते हैं, लेकिन बायर कौन है, कहाँ है, ये मालूम नहीं होता। और दूसरी तरफ ये होता है कि लाखों करोड़ के आइटम्स खरीदने वाले शौकीन मौजूद होते हैं, पर आइटम कहाँ है, किसके पास है, मालूम नहीं होता। और ये के हम ऐसी कीमती चीजों के खरीदने और बेचने वालों के दलाल हैं। इसका मतलब है ब्रोकर, अच्छी जबान में एजेंट। तुम्हारे पास कोई ऐसी आइटम हो तो बता देना। है कोई ऐसी आइटम तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अरे छोड़ो यार ये एंटिक वेंटिक की बातें, कम टू द पॉइंट। तुम लोगों की सगाई हुई है, हम पार्टी देते हैं। Come the party couple. Hey Sameer, thank you very much for coming and making this party a happening, bro. Thanks to you, my friends. तुमने ही हमारी engagement की खुशी में ये party दी है. Thank you. छोड़ो यार, let's enjoy. Yeah, come on. Yeah. We'll be right back.
लोग। तुम्हें जिस काम के लिए समीर के पास भेजा है वो काम तुम अकेली नहीं कर पा रही हो, इसलिए बॉस ने रॉकी, एंडी और नीलू को यहां भेजा है। ये लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे और जब तक काम पूरा ना हो जाए ये लोग समीर के घर में रहेंगे। बॉस ने 2 दिन का टाइम दिया है, काम हो जाना चाहिए, समझी? तुम? हेलो हैंसम, मैंने तुम्हें इससे मिलाया, इसके मिलने पर तुम मुझे भूल गए? इंगेजमेंट कर ली, इंगेजमेंट की पार्टी दे रहे हो, हमें याद नहीं किया? खैर कोई बात नहीं, हम तो मिलते ही रहेंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इत्तेफाक से। लेट्स गो होम। समीर, समीर, क्या बात है समीर, खामोश क्यों हो? मुझसे कोई गलती हो गई? गलती? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स को अपने घर में रहने के काबिल समझा। क्या किया उन्होंने? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? देखा नहीं किस तरह से वो बिहेव कर रहे थे पार्टी में? कौन है वो रॉकी जो बार बार तुम्हें अपने पास खींच रहा था? क्या रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ? रिश्ता? दोस्त है वो, सिर्फ दोस्त, और कोई रिश्ता नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। शायद तुम और रॉकी एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच। ऐसा कुछ नहीं था तो तुमने उसे अपने करीब क्यों आने दिया? क्यों उसकी बाहों में बाहें डालकर डांस किया? क्यों? समीर, अब मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, तुमने भी तो उस नीलू के साथ डांस किया। उन लोगों ने हमारी खुशी में हमें पार्टी दी। वो लोग बुरे नहीं है, पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर ली और थोड़ा बहक गए। मेरा यकीन करो, वो लोग अच्छे हैं। और फिर कौन सा हमेशा के लिए आए हैं, एक दो दिन में चले जाएंगे। समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। किस्मत ने मुझे तुमसे मिलाया और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरा यकीन करो, आई लव यू। Yes.
नहीं नहीं नहीं, खंजर वही है, उसी घर में। मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। बॉस, अरुणा ने उस घर का कोना कोना छान मारा और हम लोगों ने भी हर तरीके से मालूम करने की कोशिश की, पर मुझे तो लगता है कि समीर को भी उस खंजर के बारे में कुछ नहीं पता। और बॉस, अरुणा ने समीर के साथ एंगेजमेंट का नाटक नहीं किया, उसने सच में सगाई की है। और मुझे तो शक है कि वो हमारे साथ डबल क्रॉस कर रही है। ये प्यार करने वाले हैं, ये प्यार में कुछ भी कर सकते हैं। अरुणा को हथियार बनाओ और उस खंजर का पता लगाओ, और अगर अरुणा डबल क्रॉस करे तो उसको भी उड़ाओ और उसकी मौत की खबर लाकर सुनाओ, समझे? नॉटी अंकल, समीर कहाँ है तू? नॉटी अंकल, समीर कहाँ है तू? समीर बेटा, नॉटी अंकल कहाँ है? समीर बेटा कहाँ है तू? नॉटी अंकल कहाँ है? समीर, क्या हुआ अंकल? अरे क्या पता, चार पांच लोग आए थे और मुझे बांध दिया और अरुणा को ले गए। अरुणा? हाँ, अरुणा को ले गए और ये फेंक दिया। ये खंजर की फोटो। हेलो, मिल गई खंजर की फोटो। कौन हो तुम लोग? अरुणा को जिंदा देखना चाहते हो तो वो खंजर लेकर हमारे पास चले आओ, समझे? खंजर? हाँ, खंजर। कौन सा खंजर? मेरे पास कोई खंजर वंजर नहीं है। है, वो खंजर तुम्हारे पास नहीं है भाई। और सुनो, तुम्हें अरुणा चाहिए या खंजर, सोच लो। नहीं है भाई, मेरे पास कोई खंजर वंजर नहीं है। कौन सा खंजर, कौन मांग रहा है? ये खंजर मांग रहे हैं। हे भगवान, ये खंजर मांग रहे हैं? हाँ नथू अंकल, हाँ। अरे बड़ा कीमती है। वो तो ठीक है, पर ये है कहाँ? इसी घर में है। क्या, इसी घर में है और मुझे नहीं पता? वो भगवान की मूर्ति है ना, तेरी दादी ने उसमें छुपा कर रखा है। अच्छा, ये क्या कह रहे हो अंकल? अरे ये तेरे पुरखों का है, लाखों करोड़ों का है। अरुणा की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अरे कहाँ जा रहा है, मेरे पैर तो खोल के जा। समीर, अरे बेटा समीर। हेलो समीर, कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से? अरुणा को किसी ने किडनैप कर लिया है। अरुणा को किडनैप कर लिया? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। चलो हम भी आते हैं। चलो। बॉस, बोल। बाजी पलट गई है,
क्या हुआ? कौन सी बाजी पलट गई? यही खंजर की। क्या? अरुणा को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं जानता हूँ ये काम किसका है। तुम लोग जाओ, मैं वहीं आता हूँ। ओके बॉस। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? जॉनी है मेरा नाम, जॉनी। तेरे बॉस अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन। पहचाना मुझे? नहीं पहचाना तो अब पहचान लेगी। तुम इस जॉनी के लिए काम करती हो? हाँ, ये जॉनी मेरी जान से ज्यादा प्यारा है। जो भी करती हूँ इसी के लिए करती हूँ। बॉस से गद्दारी कर रही हो तुम। तू कौन सी वफादारी दिखा रही है? तुझे भेजा था खंजर की तलाश में और तू समीर से इश्क लड़ाने लगी। कहाँ है तेरा आशिक? अब तक आया नहीं तुझे बचाने के लिए? समीर बैठ। बड़ा सच्चा आशिक है बेचारा, चला आया अपनी महबूबा को बचाने के लिए। छोड़ दो अरुणा को, मैं कहता हूँ छोड़ दो। चिल्ला मत, खंजर निकाल वो खंजर। खंजर मुझे मिल जाएगा, अरुणा तुझे मिल जाएगी। वो देख, वो साले नीलू जॉनी से मिली हुई है। इधर उधर क्या देख रहा है? ये मेरा अड्डा है, यहाँ मेरे आदमी हैं। खंजर निकाल, खंजर। वाओ, जितना कीमती है उतना खूबसूरत भी। ला मुझे दे। नहीं समीर, खंजर उसे मत देना। क्यों अपनी जान की बाजी लगा रही है तू? खंजर अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ये खंजर का गेम कुछ ज्यादा ही उलट पुलट हो रहा है यार। कौन कब किधर पलटी मार रहा है? मेरी तो खोपड़ी घूम रही है, उड़ा दूं क्या सबको? नहीं नहीं, बॉस का वेट कर। अकबर के साथ गद्दारी करने वाला एक एक गद्दार मरेगा। आओ अकबर आओ, आज तुम्हें मेरे दरवाजे पर आना ही पड़ा। आया तो हूं जॉनी, मगर तेरी मौत बनकर। समीर, खंजर मुझे दे दे। नहीं समीर नहीं, ये गलती हरगिज मत करना, वरना वो देख। अकबर औरत के जिस्म के साथ खेलता है, जान नहीं लेता। पर नीलू तूने तो अकबर के साथ गद्दारी की है, और गद्दार की सजा मौत है, मौत। नीलू पांडू, तू भी इनके साथ मिला हुआ है? पांडू नहीं, पीटर, पीटर डिसूजा। पांडू तो मैं तुझे बना रहा था, और इस काम में मैं अकेला नहीं हूँ, तेरी अरुणा भी हमारे साथ है। क्या? हम सब अकबर भाई के लिए काम करते हैं। हमने ही प्लान बनाकर अरुणा को तेरे घर में भेजा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। सीधी शराफती से वो खंजर दे दे, वरना जान से जाएगा। धोखेबाज। अरुणा, तूने समीर के इश्क में अकबर को धोखा दिया, अब ना तू बचेगी और ना ये तेरा। I'm sorry समीर, अकबर ने खंजर के लिए तुम्हारे घर भेजा था। खंजर ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे प्यार में खो गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। अपना लो मुझे, अपना लो। ये लो खंजर, इसे अपने घर में भगवान की मूर्ति में रख दो। फासले नहीं होंगे दरमियां, प्यार में यूं ही झूमेगा समां। क्या हुआ सनम कहो तो जरा।
सोचा क्या सनम कहो तो जरा।